आज पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा करता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि देश की जनता की इस इच्छा का सम्मान होना चाहिए और यही हम सबों का संवैधानिक दायित्व भी है। भाजपा का यह मत है कि लोकपाल बिल को भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी और प्रामाणिक कार्रवाई का उपकरण बनना चाहिए और इसके दायरे में राजनीतिक नेता और नौकरशाह दोनों को आना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि इस दिशा में समय पर कार्रवाई हो। अन्ना हजारे देश के एक बहुत ही आदरणीय गांधीवादी नेता हैं, जिनका हम सभी सम्मान करते हैं। हम उनसे अपील करेंगे कि वे अपने अनशन को वापस लें। जो जन लोकपाल बिल बनाया गया है, सरकार से हम मांग करेंगे कि आंदोलनकारियों के साथ इस संबंध में चर्चा करें और साथ ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं जिसमें सारे पदों पर चर्चा हो और एक सामयिक कार्रवाई भविष्य की दिशा में करने की स्थिति में मदद हो सके। फ्रेंड्स, द इंटायर कंट्री टुडे वांट्स इफेक्टिव एक्शन अगेंस्ट द कैंसर ऑफ करप्शन। द बीजेपी इज स्ट्रॉन्गली ऑफ द व्यू दैट सच पॉपुलर विश must be respected, and this indeed is the constitutional obligation of all of us. The BJP wants that the Lokpal Bill must become an instrument for effective and credible action against corruption, and both political leaders and bureaucrats must come within its ambit. Such an action must be effective and timely. This is indeed very important. Shri Anna Hazare is a very respected Gandhian leader of the country, and we appeal to him to end his fast. And we also demand from the government that on the Jan Lokpal Bill, the government must talk to all the activists and also call an all-party meeting for prompt and effective steps in the fight against corruption. मित्रों, एक दूसरा विषय यह है कि भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। गुजरात के मंत्री, गोवा के मंत्री श्री एंटोनियो मोसारेटो मुंबई हवाई अड्डे पर 2.5 लाख अमरीकी डॉलर के साथ पकड़े गए, जिसकी कीमत 1 करोड़ होती है। ये जो वहां के बहुत ही गणमान्य शिक्षा मंत्री हैं, उनके खिलाफ काफी केसेस हैं। अब वो कह रहे हैं कि उनके पास सिर्फ 22 लाख रुपए पकड़े गए। 22 लाख भी कानूनी सीमा से अधिक है। आज हमारा ये आरोप है कि उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनके इस कारनामों से वहां की कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार की साख पर बहुत ही गंभीर असर पड़ रहा है। मेरे साथ आरती मेहरा जी बैठी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री। इन्होंने भारत के वित्त मंत्री चिदंबरम साहब को एक चिट्ठी भी लिखी है और इसमें साफ साफ आरोप लगाया है कि उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। यह भ्रष्टाचार का बहुत गंभीर मामला है, उनको तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। उनको रोका गया और एकाएक छोड़ दिया गया, जबकि कानून के इतने बड़े उल्लंघन का मामला सामने आया था। 18 घंटे वो डिटेन। फिर द सेकेंड इशू इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन। द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ गोवा मिस्टर एंटोनियो मोसारेटो वाज अरेस्टेड एंड डिटेन फॉर 18 आवर्स एट द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट व्हेन ही वाज कैरिंग फॉरेन करेंसी टू द ट्यून ऑफ $2,50,000
in complete violation of law. Surprisingly, he was released thereafter. Now, after release, he is claiming that he was carrying only rupees 22 lakhs. Even that amount is too huge and violative of the norms of law. Srimati Aarti Mehra, the National Secretary of the BJP and in charge of Goa, is also present here. She has written a letter to the Minister of Finance, Chidambaram, demanding that he must be, proper action must be taken, no attempt be made to bail him out, he must be sacked from the Council of Ministers and arrested again. The BJP seriously apprehends that every attempt is being made to bail him out. It's equally important issue in the fight against corruption. बस उतना मुझे अपनी ओर से दो बाइट देनी थी। सरकार तो हमेशा चुप रहती है, मैंने पहले भी कहा था। शाहिद बलवा के साथ शरद पवार का दुबई जाना, दूसरे मंत्री का जाना, जबकि बार-बार दोनों के संबंध की चर्चा भी सामने में आई है, अपने आप में बहुत गंभीर है। प्रधानमंत्री सफाई देते समय चुप हो जाते हैं, शायद ये बहुत संवेदनशील मामला है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में सीबीआई सख्त कार्रवाई करे और प्रधानमंत्री चुप रहे, ये दोनों साथ नहीं कर सकते। You remember the NDA was in power, we made 3 attempts to bring the bill. But there was no consensus in 1999, in 2001, in 2002. But what is more important is today the entire country is deeply agitated for effective action against corruption. And the Lokpal bill has to be credible, has to be effective instrument. I have already said that. Certainly that is a question to be considered in the all party meeting. Many of the good suggestions can be taken on board. When we say it has to be effective and credible instrument, we mean that. It's not a question of being partisan about it. And the government should also not be sitting on prestige about it. There are very many people. If they are there, they must be called for a dialogue. Some good suggestions must be taken on board. They must revert in the all party meeting. Discussion must be there. But what is more important, an effective and timely action is here. Sir, मैं जेपीसी का मेंबर हूं, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। ये कह रहा है कि बीएसई भी मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। पाकिस्तान की तो हाई लेवल की है, उनका हार के साथ कभी नहीं होता। मेरे ख्याल से उनको हारने के बाद दिमाग रखना चाहिए। अफरीदी साहब अच्छा खेले, भारत की टीम भारी पड़ी, उन्होंने भारत टीम के अच्छे खेल की प्रशंसा भारत की मिट्टी पर किया है, तो बड़े दिल का ये तकाजा है कि हार को विनम्रता से स्वीकार करें। देखिए, हमारे नेताओं ने, अडवाणी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सुषमा जी ने, अरुण जी ने सबने शुभकामनाएं दी है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के रूप में मैं भी पार्टी की ओर से अपने खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूँ और साथ ही देश का अभिनंदन करता हूँ। पूरा देश अपनी शुभकामनाओं के साथ आ रहा, ये बहुत बड़ी जीत है। सचिन तेंदुलकर आज दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, अगर उनके बारे में भारत रत्न का विचार होता है तो भारतीय जनता पार्टी को खुशी होगी।